नमस्कार दोस्तों, दिस इज वेब टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों आपने टीवी चैनल्स तो देखे होंगे, न्यूज चैनल्स भी देखे होंगे। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि आपको अच्छे अच्छे शोज दिखाते हैं जिससे हमारा एंटरटेनमेंट होता है। इन शोज को करने के लिए इनको लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। अगर न्यूज चैनल की बात करें तो इनकी मैनेजमेंट टीम, इनके जो रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्टिंग करने वाले, इनकी लाखों की सैलरी से उनको पेड करनी पड़ती है। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो लाखों करोड़ों में इनकी एक सीरियल्स बनती है जिसके थ्रू पर ये लोगों को पेमेंट करते हैं। अब दोस्तों ये माइंड में हमारे क्वेश्चन कभी आता है कि यार ये किस तरीके से कमाई करते हैं, आखिर ये न्यूज चैनल वाले कितना कमा लेते हैं, इनकी साल भर की नेटवर्थ इनकम कितनी होती है। अगर ये इतना लोगों को पेट कर रहे हैं, इतना लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनकी कमाई भी कहीं ना कहीं अच्छी मोटी होगी। इस वीडियो के अंदर आपको जानने के लिए मिलने वाला है सबसे पहला कि इनके इन टीवी चैनल्स के इनकम के सोर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर टू कि क्या आप भी अपना टीवी चैनल बनाकर लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इन टीवी चैनल्स की साल भर की नेटवर्थ इनकम कितनी होती है, आगे साल भर के अंदर कितना पैसा कमा लेते हैं। तो इस जानदार और शानदार वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, कुछ नया, कुछ अनोखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें तो जैसे जी टीवी हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया, आज तक हो गया, स्टार प्लस हो गया, ऐसे कई सारे चैनल हैं जिनके ऊपर अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े शोज आते हैं। इनको करने के लिए इनके पास में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तब जाके एक टीवी शो बनता है और वो लोग हमको एंटरटेनमेंट कर पाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से कमाई करती है। वीडियो को ज्यादा लेट न करते हुए हम सबसे पहले इनके इनकम सोर्स की बात करते हैं। दोस्तों ये तीन तरीके से कमाई करते हैं, सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट के जरिए, नंबर टू स्पॉन्सरशिप के जरिए, और नंबर थ्री होता है सब्सक्रिप्शन के जरिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब टीवी के अंदर शो चल रहे हैं या फिर न्यूज चैनल के ऊपर कोई न्यूज चल रही है तो उसके अंदर हमको बार बार बीच में एड देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों ये एड वाले एडवर्टाइजर कौन होते हैं? अगर किसी की कंपनी हो, वो कंपनी की अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, तो पॉपुलैरिटी वाले चैनल के पास में ये एडवर्टाइजर जाते हैं और अपनी एड का पेमेंट इनको करते हैं। अब चैनल्स क्या करते हैं कि इनको एडवर्टाइजमेंट का कुछ पेमेंट चार्जेस करते हैं, एडवर्टाइजर्स इनको पेमेंट करता है टीवी चैनल्स को, तब जाकर इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। एड 3 मिनट की भी हो सकती है, सेकंड भर की भी हो सकती है, उसके हिसाब से इनका पेमेंट चार्जेस होता है। और सबसे ज्यादा डिपेंड इस पर ये करता है कि एडवर्टाइजमेंट को किस टाइम पर दिखाना है। भारत के अंदर शाम को 7 बजे से लेकर तो रात के 10:30 बजे तक कहा जाता है कि टीवी पर सबसे ज्यादा व्यूवर्स होते हैं, लोग सबसे ज्यादा टीवी का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। तो उसी टाइप पर एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा पेमेंट टीवी चैनल्स को करनी पड़ती है क्योंकि जो पॉपुलर मोस्ट ऑफ दी पॉपुलर शो आता है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अगर हम इंडिया न्यूज की बात करें तो आपकी अदालत, ऐसे कई सारे शोज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। और पॉपुलर शो के बीच में एडवर्टाइजमेंट लाने के लिए इनको सबसे ज्यादा एडवर्टाइजर्स को पैसा देना पड़ता है क्योंकि अगर आपका कोई फेवरेट शो है तो उसमें आप एड को स्किप नहीं करेंगे, आप एड भी देखेंगे अगर आपको शो सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये हो गए एडवर्टाइजमेंट की बात, इसमें भी ये लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? तो कई बार आपने शोज के अंदर देखा होगा, अगर कोई न्यूज का चैनल है वो लैपटॉप लेकर अपने कैमरे की स्क्रीन पर बैठते हैं तो लैपटॉप के ऊपर आपने पीछे देखा होगा कि एवरेस्ट मसाले या फिर कोई भी चीज के एडवर्टाइजमेंट लिख देते हैं, और या तो फिर अपने शो के अंदर बार बार उस प्रोडक्ट का, उस एडवर्टाइजर का, उस कंपनी का जिक्र करते हैं कि दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय टाटा कंपनी, स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस, स्पॉन्सर्ड बाय एवरेस्ट मसाले। अब स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा सा अलग होता है, ये एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली शो को टारगेट करता है, यानी कि कोई भी पॉपुलर शो हो गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या फिर न्यूज नेशन का, रिपब्लिक भारत का, कोई भी ऐसा शो जो शो को डायरेक्टली टारगेट करते हैं, यानी उस शो के अंदर बार बार उस एडवर्टाइजमेंट का जिक्र किया जाता है जिससे कि उनके प्रोडक्ट में ज्यादा बढ़ोतरी हो, लोगों के सामने वो प्रोडक्ट बार बार दिखे, तो प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से हो जाती है, उनकी इनकम भी अच्छे तरीके से जनरेट हो जाती है और चैनल वाले इससे कई गुना पैसा कमा लेते हैं। अब तो ये हो गई स्पॉन्सरशिप की बात। तो यहाँ समझने जैसी बात है कि हम कौन से चैनल को स्पॉन्सर करें। अब दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर हमको कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो हम कौन से चैनल के ऊपर हमारे प्रोडक्ट को दिखाएं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो, जिसको सबसे ज्यादा देख रहे हो। ऑब्वियसली बात है कि जो चैनल को सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं उस चैनल के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट दिखाना पसंद करेंगे। अब जैसे स्टार प्लस हो गया, सोनी टीवी हो गया, जी टीवी हो गया, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, ऐसे बहुत सारे चैनल जो कि पॉपुलर है। अब दोस्तों जितने ज्यादा पॉपुलर होंगे उतने ज्यादा इनके पेमेंट के चार्जेस होंगे। अब दोस्तों ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन से चैनल की टीआरपी सबसे ज्यादा है, कौन से चैनल को सबसे ज्यादा लोग देखते हैं? तो यहां पर बात आती है टीआरपी की। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये टीआरपी क्या होती है। टीआरपी का मतलब जानने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर करना पड़ेगा। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट एक तरीके का सिस्टम है। तो अपने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि अगर कोई भी वीडियो वायरल होता है, पॉपुलर होता है या फिर कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो उसके ऊपर हमको दिखता है कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कहां कहां से देख रहे हैं, कितने एज ग्रुप के लोग
इसे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में देखा जा रहा है, इंडिया में देखा जा रहा है या फिर विदेश के अंदर देखा जा रहा है। इससे एडवर्टाइजर्स को पता चलता है कि कौन से चैनल को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, उसी को हम टीवी चैनल्स की लैंग्वेज में टीआरपी कहते हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब दोस्तों ये काम कौन करता है, BARC एक ऐसी एजेंसी है जो कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल करके एक एजेंसी होती है, जो कि हर वीक अपने वेबसाइट के ऊपर इन टीवी चैनल्स की टीआरपी को घोषित करती है कि कौन से चैनल को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। एडवर्टाइजर जाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि कौन से चैनल को सबसे ज्यादा, कौन से शो को पसंद किया जा रहा है, तब जाके एडवर्टाइजमेंट उस शो को स्पॉन्सर करते हैं, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन यानी कि टाटा स्काई जैसे नेटवर्क होते हैं, एयरटेल जैसे नेटवर्क होते हैं, जैसी छतरियां हमारे छत के ऊपर लगी होती है, ये क्या करती है, चैनल वालों के साथ में कंपनी का टाइप कर लेती है। हम उनको हमारा सब्सक्रिप्शन पेड करते हैं पर मंथ के हिसाब से, और टाटा स्काई एयरटेल जैसी कंपनियां उन चैनल्स को पेड करती है अपने चैनल्स को दिखाने के लिए। चैनल HD हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, उस जरिए भी ये अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लेते हैं। दोस्तों ये हो गए तीन प्रकार से, अगर इनके हम इनकम सोर्स की बात करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप भी अपना चैनल खोल सकते हैं क्या। पहले जमाने में हुआ ये करता था कि टीवी चैनल्स खोलना बहुत ज्यादा आसान होता था। आपने एक एक चैनल के तीन तीन चार चार चैनल देखे होंगे। जैसे अगर आप बात करें जी टीवी की, तो जी टीवी का जी न्यूज है, जी सिनेमा है, जी अनमोल है, ऐसे कई सारे चैनल चला के अपनी इनकम के सोर्स को अपनाते थे। अब दोस्तों हुआ यह है कि अगर आप कोई टीवी चैनल या फिर सीरियल चैनल या फिर सिनेमा का चैनल खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपके कंपनी की नेटवर्थ लगभग 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। और यदि आप न्यूज का चैनल खोलना चाहते हैं, तो आपकी नेटवर्थ इनकम लगभग 20 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब जाके आप इस चैनल को ओपन करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ फॉर्म्स आते हैं, उसके कुछ कंडीशन आती है कि आप किस तरीके का चैनल खोलना चाहते हो, कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन आप अपना एक चैनल बना सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनकी नेटवर्थ इनकम के बारे में, आखिर टीवी चैनल भर में से कितनी कमाई कर लेते हैं, जो कि इतने शोज को चलाने का इनका पैसा जनरेट हो पाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से चैनल की कितनी इनकम है साल भर की। दोस्तों अगर हम इनकम की बात करें, तो न्यूज चैनल सबसे नंबर वन पर आते हैं, क्योंकि इनको मैनेजमेंट टीम को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है और इनके से बहुत सारे शोज चलते हैं जिसके ऊपर स्पॉन्सरशिप का पैसा भी सबसे ज्यादा आता है। तो आज हम थोड़े से न्यूज चैनल के बारे में देखते हैं कि न्यूज चैनल की सबसे ज्यादा इनकम किस तरीके से होती है और इनकी साल भर की नेटवर्थ इनकम कितनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीडी न्यूज की, जो कि गवर्नमेंट चैनल है। गवर्नमेंट चैनल होने के बावजूद भी थोड़ा सा कम देखते हैं, इसकी टीआरपी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि पुराने शोस लोगों को अब ज्यादा पसंद नहीं आते और उतना अट्रैक्टिव ये चैनल नहीं दिखता है। इसके अगर हम साल भर की नेटवर्थ इनकम की बात करें, तो ये लगभग 100 करोड़ रुपए साल भर की इनकी नेटवर्थ इनकम होती है। अगर हम बात करते हैं रिपब्लिक भारत की, तो ये 198 करोड़ यानी कि लगभग 200 करोड़ के आसपास से अपनी इनकम जनरेट कर पाते हैं। यदि हम न्यूज नेशन की बात करें, तो 275 करोड़ यानी कि 275 करोड़ इनकी साल भर की इनकम है। अगर हम न्यूज 24 की बात करें, तो 280 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें न्यूज 18 की, तो 303 करोड़। यदि हम बात करें NDTV की, तो ये 424 करोड़ होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के TRP है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपकी इनकम जनरेट करेगी। आपने देखा होगा कि TRP के लोग शोज़ के जरिए इनकी अच्छी इनकम होती है, क्योंकि वही चाहते हैं कि हमारे चैनल्स को सबसे ज़्यादा लोग देखें, और जब लोग इसके ऊपर देखेंगे, तो एडवर्टाइजर इनके ऊपर पैसा लगाएंगे और एडवर्टाइजमेंट के जरिए इनकी सबसे ज़्यादा इनकम होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, जानने के लिए सीखा इनका बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, इनकम का सोर्स किस तरीके से होता है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेजेबल सिचुएशन लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बिजनेस टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।